लॉकडाउन के बाद लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बदतर होती जा रही है, हम आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इस एक परिवार में हैं और इसमें दो लोग हैं और दोनों अपाहिज हैं, चल नहीं सकते, दोनों पैर से माजूर है, हस्बैंड भी वाइफ भी। और जब सब कुछ ठीक था, जब ये महामारी नहीं आई थी देश में, तो ये लोग अपना गुजारा जैसे भी कर सकते थे करते थे, इस ट्राइसिकल से चलकर अपना गुज़ारा करते थे, मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज स्थिति इतनी डामाडोल हो गई है कि ये लोग अब ये राशन को भी तरस रहे हैं, इनके घर में खाने तक को पैसा नहीं है। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताजिर है। ताजिर भाई जी, ताजिर भाई कितनी दिक्कत हो रही है? मुझे तो बड़ी दिक्कत हो रही है कि सनीचर के रोज से आया हूँ मैं, तो हफ्ता भर होने को जा रहा, जो पैसे थोड़े बहुत, एक तो सनीचर के रोज मार्केट बंद थी, वहाँ से पैसे भी नहीं मिले, पैसे मिले थोड़े से पैसे रहा तो अब खत्म हो चुके हैं मेरे पास। अब क्या, काम पर जाना नहीं हो रहा मेरा। ताजिर भाई, क्या काम करते थे आप? मैं मशीन पर बॉटम काटता हूँ चप्पल के, उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं मुझे। कितने कमा लेते हो एक महीने, एक दिन में कितने कमाते हो? तो काम के ऊपर बात है, जो काम सुबह शाम तक मिल जाता 200 के 300 के, जैसे कि मजदूरी पड़ जाती है और नहीं चलता तो बिल्कुल भी नहीं चलता, किसी हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं 1200-200 रुपये के मजदूर। और अभी सिर्फ 3-4 दिन ही हुए लॉकडाउन को, 3-4 दिन में ये स्थिति है इन लोगों की। अब तो काम ही नहीं चल रहा, क्या कहते हैं, अब ईद से बाद में तो काम ही नहीं चल गया, इतने खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे ईद से बाद में, तो एक दिन काम, एक हफ्ते काम नहीं चलता, दूसरे हफ्ते में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। राशन है घर में? राशन घर पे कहाँ से आया, कितने पैसे कहाँ से लाए थे हमें पता थोड़ा था, इतना लंबा हुआ। एक दिन का सुन रहा था कि भारत बंद है, एक दिन भारत बंद है, 3 दिन मार्केट बंद, बचा फिर मंगल में मिल जाएंगे। लेकिन वो अब इतना लंबा ये लॉकडाउन हो गया कि परेशानी तो होनी है। घर में कोई बच्चा बड़ा काम करने वाला? नहीं, कोई नहीं है, मेरे बस एक लड़की है। ये हमारी अम्मी है जी, बस हम 3-4 ही हैं। कोई आदमी नहीं है, वही यही, हाँ यही करते हैं काम। तो ये यही आप पूरा परिवार का खर्चा ही उठाते हैं जी? पानी की भी दिक्कत है यहाँ तो, हमारे लाइट पानी नहीं है हमारे घर में। ये कितने गज का मकान है आपका? 25 गज का मकान है जी। तो कितनी परेशानी अभी हो रही है आपको? परेशानी है यहाँ तो, बस यही करते हैं काम, जो भी काम करते हैं इनके उसमें काम, घर का खर्चा चलाते हैं। दोपहर खाना बना आप? आप तो खा लिया, अभी का गुजारा हो गया। अभी कितने दिन का राशन है आपके पास में? राशन नहीं है तो थोड़े से चावल भिजवाते इन्होंने 1 किलो, कल पका शाम पका लिया ना, और अब बना है। अच्छा, ये तो अभी बहुत दिन रहने वाला है, 15 दिन से ज्यादा रहेगा, तो कैसे करोगे? बस जैसे भी अल्लाह पाक करवाएगा, क्या करना, जैसे भी रहेगा, घर से निकलने नहीं दे रहे, कहीं जाने नहीं दे रहे, क्या होगा, भूखे मरने का वो है। 4 जने हैं हम, 4 हैं। अच्छा, 4 लोगों को ये अपा कितने, एक महीने का राशन कितने का आता है? यही लाते हैं, नहीं पता है। कितने का आता है एक महीने का राशन? मैं 15 हफ्ते में लाता हूँ पैसे, 1200-1500 जैसे भी मौका मिलता है उसके। 1500 का राशन तो इतना आ जाता है कि आप खा लेंगे आराम से, 1500-2000 हफ्ते में, 1500 एक हफ्ते महीना चल जाएगा। आप आटा अभी खाली आटा चावल लाइए, बाकी के दाल चावल वो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद करिए, अभी सिर्फ इतना राशन लाइए कि ज़िंदगी कट जाए, पेट भर जाए। अभी कुछ मदद कर दें आपकी हम? मर्ज़ी आपके, हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, मर्ज़ी नहीं, मदद तो चाहिए ही, खाने पीने के लिए तो होना चाहिए ना राशन, नहीं जी इतना जी। तो होना चाहिए 2-3 महीने का, जब 3 महीने। देखिए, मैं कोई सरकारी मुलाजिम तो हूँ नहीं जी, ठीक है, मैं तो राजू भाई ने मुझे बताया आपके बारे में, तो मैं आया और इसीलिए आया कि आप लोगों का दर्द मैं दिखा सकूं लोगों को कि इस वक्त क्या स्थिति में लोग जी रहे हैं। और मैं यही कहता हूं अपने हर वीडियो में, खासकर अब मैं कह रहा हूं कि एक आदमी, एक व्यक्ति कम से कम 10 घर की जिम्मेदारी ले, अपने आस पड़ोस की 10 घर की जिम्मेदारी ले। अगर एक व्यक्ति ने 10 घर की जिम्मेदारी ले ली तो मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी, किसी के बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। आप मदद के लिए आगे आइए, हमेशा भारत नंबर 1 रहा है मदद के उसमें, और ये कौम तो हमेशा रही है, आप मदद कीजिए लोगों की। बहन, ये कुछ पैसा है, 2000 रुपये, ठीक है, इन 2000 से रख लीजिए, आप राशन ले आइएगा, और जैसे अभी हमें अल्लाह ने भेजा, आगे भी अल्लाह इंतज़ाम करेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना जी।
अच्छा, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ताला ने आपको भेजा है कि जो आप हमारी मदद करने के लिए आ गए, बहुत बहुत ऐसे शुक्रिया नहीं। देखिए अल्लाह ने, अल्लाह जरिया बनाता है किसी ना किसी, जरिया बनाया, ठीक है ना, तो वो बता रहे हैं अल्लाह ताला जरिया बनाता है, तो आप घबराइए नहीं, ठीक है ना, तो ये जो वक्त है ना ये गुजर जाएगा, हमसे भी बड़े बड़े पड़े होंगे, हमसे ज्यादा कमजोर, ये वक्त गुजर जाएगा, ये हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहेगा, ठीक है ना। अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मदद कीजिए, अपने घरों से निकलिए, कमेटी बनाइए, जिस तरह से आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, क्योंकि ये लोग आपकी मदद के मुस्तहिक है। आइए आइए, अपने घरों से बाहर आइए, दिल खोल के दान कीजिए, दिल खोल के इमदाद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों के घर में राशन पहुंचाइए। जब किसी के पेट में राशन का टुकड़ा जाता है, जब किसी के पेट में, भूखे के पेट में कुछ जाता है, तो उसकी जो आते हैं वो हमेशा दिल से दुआ देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आइए, लोगों की मदद कीजिए और यूँ ही प्यार बांटते रहिए।